हेलो स्टूडेंट्स दिस इज प्राची वेलकम टू आवर चैनल आज हम बात करेंगे कि कैसे आपने अपना बोर्ड का मैथ्स एग्जाम को कैसे आपने अटेम्प्ट करना है क्या क्या चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैथ्स के नाम से ही डरते हैं बट टू बी ऑनेस्ट ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड का गेम होता है सारा का सारा कई बच्चे क्या होते हैं छोटे होते से ही उनके दिमाग में होता है मैथ्स नो no, वो तो हमसे नहीं होता मैं तो मैथ्स में वीक ही हूँ ये चीज़ आप बोलना ही बंद कर दो कि मैं मैथ्स में वीक हूँ तो वो धीरे 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 ख़त्म हो जाएगी वो चीज़ मैथ्स से डरने की कोई नीड नहीं है अगर आपका सिक्स सेवेंथ एट्थ का बेस जो है थोड़ा वीक है तो कोई बात नहीं टेंथ में आप अपना बेस जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हो स्टिल यू हैव टाइम कि आप टेंथ में भी अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है टेंथ में मेहनत करते हैं तो भी उनका बेस आगे स्ट्रॉन्ग हो जाता है तब भी वो इलेवेंथ ट्वेल्थ में मैथ्स लेते हैं ठीक है मैं आपको नहीं कह रही हूँ इलेवंथ ट्वेल्थ में आपकी मर्जी है दैट्स टोटली अप टू यू आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है बट टेंथ एग्ज़ाम को मैथ्स में डरने की नीड नहीं है मैं आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रही हूँ तो सबसे पहले मैथ्स के फियर को आप हटा दो ठीक है जैसे आप अपने फियर को हटाओगे आप बिल्कुल आ, रिफ्रेश होके अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश होके आप जाएंगे कि कोई बात नहीं मैथ्स का एग्जाम है हम देने जा रहे हैं दैट्स इट तो बी कॉन्फिडेंट ओके अब बात आती है कि हमने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है ठीक है तो वी नो दैट इसके अंदर सेक्शंस हैं ठीक है सेक्शन ए बी सी डी एंड ई राइट इसके अंदर ट्वेंटी क्वेश्चन हैं वन मार्क्स के हैं ठीक है वन मार्क्स के हैं इसके अंदर टू मार्क्स के फाइव क्वेश्चन आते हैं ऐसे इसके अंदर थ्री मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ठीक है इसके अंदर आपके पास फोर मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे भी आपके पास इस तरीके से फोर मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ठीक है इसमें फाइव के फाइव मार्क्स के क्वेश्चन हैं कई बार फोर प्लस वन थ्री प्लस टू टू प्लस टू कुछ इस तरीके से मार्क्स के आ जाते हैं आपके पास ठीक है तो अब आपने क्या करना है तो सेम सबसे पहली बात तो मैं यही बताऊंगी कि ए सेक्शन के अंडर सारे आपने आ, ए सेक्शन वाले ही आपने क्वेश्चंस करने हैं आपने कभी भी शफल नहीं करने हैं तो सबसे पहला नो शफलिंग ठीक है नो शफलिंग आपने आंसर्स की शफलिंग नहीं करनी कि इसके अंदर ये रख दिया इसके अंदर वो रख दिया सी सेक्शन में आप ई e के आंसर्स कर रहे हैं ऐसा नहीं करना तो हर एक सेक्शन के अंदर आपने उसी के ही क्वेश्चंस के आंसर आपने देने हैं ठीक है अगेन uh, अगर मान लो आपको ये करते करते कोई एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप स्पेस छोड़ दो ओके okay? तो आप बात नहीं कर सकते उसके लिए ठीक है हाँ ये जरूर है कि ए सेक्शन के अंदर भी अगर आपको जैसे मान लो वन टू ट्वेंटी क्वेश्चन होते हैं ठीक है तो मान लो आप आपने क्या किया वन किया टू किया थ्री नहीं आ रहा आपने फोर कर लिया फिर सेवन कर लिया हाँ इतना चल सकता है ठीक है कि आप इसमें शफलिंग कर सकते हो बट सेक्शन वाइज शफलिंग नहीं करेंगे बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी इसके अंदर भी शफल मत करना ठीक है इनके अंदर भी मत करना क्यों क्योंकि कई क्यों, देखो टीचर्स के पास बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स होते हैं सॉल्व करने के लिए ठीक है तो कई बार ना वो टिक करते करते अच्छा पहले का ये आंसर था दूसरे का ये था तीसरे का ही था ऐसे करते 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 अगर आपने ऊपर नीचे कर रखा तो उसको तो टीचर को लगता है कि गलत है तो वो आप क्रॉस कर देंगे तो अब अगर आपके पास प्री बोर्ड्स होते हैं या कुछ भी होता है तो आपको आपकी आंसर शीट मिलती है आप जाकर चेक कराते हो कि मैम ये आपने गलती से ना गलत कर दिया राइट बट एग्जाम्स में बोर्ड एग्जाम्स में आपके पास ये ऑप्शन नहीं है राइट right? तो आप क्या करो ये रिस्क ही मत लो कि हाँ भाई टीचर को गलती लग जाए तो गलती ना लगे इस चक्कर में आपने इसके सीक्वेंस वाइज ही आप इसके क्वेश्चन पेपर्स अपने आंसर सीक्वेंसेस में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ठीक है थीके? जो नहीं आ रहा उसके लिए स्पेस छोड़ दो तो बाद में कर लेंगे उसको ओके okay? फिर हम आते हैं सेक्शन ए पे सेक्शन ए में क्या होता है सेक्शन ए में होते हैं आपके पास वन वन मार्क्स के एम सी क्यूज होते हैं ठीक है इसको सॉल्व करने के लिए आप यूज करेंगे रफ शीट ठीक है रफ़ शीट आप इसमें यूज़ करेंगे और आपने रफ शीट का भी कैसे यूज़ करना है प्रॉपर ऐसे पेज बना जो पेज है उसको आपने ऐसे कर देना है ऐसे नहीं ऐसे ऐसे कर रहे हो कहीं कहीं कर रहे हो कहीं कर रहे हो नहीं रफ़ शीट का मतलब क्या है कि उसको भी आपने प्रॉपर ऐसे मैनेज करना कि अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया ये सेकेंड सॉल्व कर लिया थर्ड फोर्थ ऐसे ब्लॉक वाइज ठीक है जैसे सॉल्व कर करके आप उसको ऐसे बना दो ताकि अगर आपको रीचेक करना हो तो आपको कोई मिस्टेक ना हो ठीक है तो ये इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं तो रफ शीट का आपने प्रॉपर यूज करना ऐसे नहीं यहाँ पे कर दिया यहाँ कर दिया यहाँ कर दिया यहाँ ऐसे नहीं करना उसको भी आपने प्रॉपर वाइज उसका यूज करके सॉल्व करके अपने आंसर को आपने टिक करना है ठीक है उसके बाद आता है आपके पास टू मार्क्स के क्वेश्चन उसको तो आपने वहीं पर ही सॉल्व करना होता है राइट ऐसे ही थ्री मार्क्स वाले ऐसे ही फाइव मार्क्स वाले और ऐसे ही जो ई e सेक्शन होता है अब यहाँ पे आता है कि आपने प्रेफरेंसेस कौन सी रहेंगी कि कौन से क्वेश्चन आपने पहले करने हैं जैसे साइंस में था इसमें भी वही चीज़ें जो ज़्यादा मार्क्स वाले होते हैं उनको आप पहले करेंगे ठीक है उसके बाद सी उसके बाद बी और उसके बाद आपकी ऑप्शन है आप ए कर सकते हो या ई e कर सकते हो अब दोनों में से कोई भी कर सकते हो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर मैं होती आपकी जगह पे तो मैं पहले ए करती और उसके बाद ई करती एंड येस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने कभी भी ई e सेक्शन से स्टार्ट नहीं करना है क्यों नहीं करना उसका बहुत अच्छा सा लॉजिक ये है कि ई सेक्शन में होते हैं आपके पास केस स्टडी होती है ठीक है केस स्टडी तो कई बच्चे ये होते हैं बहुत ना कंफ्यूज हो जाते हैं उनको अगर थोड़ा सा भी अलग कुछ दिख जाए ना वहीं पर उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा ठीक है तो अपना कॉन्फिडेंस ना डाउन हो उसके लिए हमने पहले वो सेक्शंस उठाने हैं जिसमें हमें लगता है कि हाँ टू द पॉइंट क्वेश्चंस आने वाले हैं क्लियर है ये बात ठीक है थीके? तो ई सेक्शन आल सजेस्ट से को आप लास्ट में ही उठाएं ठीक है अब कई बच्चे ई सेक्शन से बहुत डरते हैं केस स्टडी से बहुत डरते हैं इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है कैसे देखो मान लो अगर आप इसको लास्ट में कर रहे हो केस स्टडी जो भी उन्होंने केस बताया आपको कुछ समझ नहीं आ रहा अरे अरे ये क्या सिचुएशन दे दी हमें मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप उसके क्वेश्चंस को ना बिना केस स्टडी से रिलेट करते हुए अलग से देखो जैसे कि मैं स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देती हूँ अब आप यहाँ पर देखो अब इसके अंदर जो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं इनको आप डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हो फिगर देख के अपने फॉर्मुलाज लगा के डायरेक्ट अपना आंसर दे सकते हो तो इसके अंदर केस स्टडी का कोई लेना देना भी नहीं है तो नाइन्टी परसेंट क्वेश्चन आपके जो ई e सेक्शन से आते हैं वो डराने के लिए हैं तो डरने की बात ही नहीं है वो सबसे ईजी है आपका ये इसमें छोटे छोटे फॉर्मुलेस यूज होने हैं छोटे छोटे फिगर्स आपको दे रखे उसमें से देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आंसर दे दो ठीक है तो ई सेक्शन आपने इस तरीके से इसको अटैम्प्ट करना है ओके okay? अब अगर कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम इनके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया है मिल जाएगा आप वहाँ पर जाके देख सकते हो कि पूरी एन में से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं ठीक है अब मैं आपको ना एक दो आइडिया दे देती हूँ कि थ्री मार्क्स और फाइव मार्क्स के अंदर जो थ्योरम्स होती है ना जैसे कि टेंथ स्टैंडर्ड में टेंथ चैप्टर में है सिक्स चैप्टर में है ठीक है सर्कल्स के अंदर दो थ्योरम्स आते हैं बी है उसके अंदर सिक्स चैप्टर में बी है तो वो जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं थ्री प्लस टू करके थ्री मार्क्स की थ्योरम टू मार्क्स का क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं इसके अंदर तो डायरेक्ट ही आ जाएगी ठीक है इसके अंदर टू प्लस वन करके आ सकता है टू प्लस वन का मतलब टू मार्क्स की थ्योरम टू मार्क्स की थ्योरम आपकी बनती है टेंथ चैप्टर में से ठीक है टेंथ चैप्टर में टू मार्क्स की थ्योरम और वन मार्क्स का उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है छोटा मोटा ऐसे ही इसके अंदर थ्री मार्क्स के बीपीटी बन सकते हैं टू मार्क्स का उसके ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन दे सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से भी बन सकते हैं एंड हाँ एक चीज और कई बार हमें ना क्वेश्चन पेपर दिए होते हैं उसके अंदर लिखा होता है क्वेश्चन दिस और दिस तो आपने क्या करना है मान लो थर्टी 30th क्वेश्चन नंबर है ठीक है तो 30th क्वेश्चन नीचे और दे रखा है तो आपने क्या करना है जब आप अपना आंसर लिखोगे तो आपने लिखना है जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 30 और पार्ट और पार्ट मैं सजेस्ट करूंगी इस तरीके से आप अपना ऐसे डालेंगे ठीक है और पार्ट मतलब दूसरे वाला पार्ट मैंने अटेम्प्ट करा है पहले वाला मैंने अटेम्प्ट नहीं करा तो ये छोटा सा एक टिप था जो मुझे लगता है जरूरी होता है क्योंकि जब एग्ज़ाम्स चेक हो रहे होते हैं मैं अगेन वही बताऊंगी कि आ, बहुत सारी शीट्स होती हैं तो टीचर कंफ्यूज ना हो उस चक्कर में आपने अपनी नेमिंग बिल्कुल क्वेश्चन वाइज प्रॉपर आपने कई बार क्या होता है बच्चे गलती से कुछ लिखे जैसे थ्री लिखा तो वो गलती से एट बन गया ये चीज़ नहीं करनी है थोड़ा सा क्वेश्चंस के जो नंबरिंग है उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन से ही काम करेंगे नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये आती है मान लो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपने ऊपर से उसका फॉर्मूला लगाया सॉल्व करा सब कुछ कर दिया आपने लास्ट में आपका आंसर नहीं आ पा रहा है आप उसको सॉल्व कर रहे हो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हो रही हैं ठीक है थीके? तो अपना टाइम वेस्ट उस कैलकुलेशंस पे ना करें अगला क्वेश्चन करो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन उसको छोड़ दो वहीं पर जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेन्स आ गई बहुत बड़ी बड़ी आ गई हैं ठीक है थ्री नाइन फोर सेवन मल्टीप्लाई फोर फाइव नाइन सिक्स ऐसे बड़ी बड़ी चीजें आ रही हैं तो एक बार के लिए उसको छोड़ दो ठीक है अगले क्वेश्चंस करो जब ऐसे ऐसे जो बिल्कुल लास्ट के जो रह जाते हैं ना आपके पास टाइम रह जाता है तब उनको कैलकुलेशंस को करो क्योंकि एक बार आप कैलकुलेशंस में चले गए आपने कहीं गलती से कुछ गलत कर दिया वहीं पर आपका आधा घंटा वेस्ट है इस चक्कर में बाकी क्वेश्चन पेपर रह जाएगा इसीलिए जहाँ बड़ी कैलकुलेशन आए वहाँ छोड़ के आगे अपना क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ नेक्स्ट आता है हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाने की बहुत ज़रूरी है ठीक है फॉर्मूला आपने लगाना ही लगाना है ठीक है अगर मान लो आपके पास एक नॉर्मल भी है कि एक ट्राइंगल दे दिया ठीक है ट्राइंगल है ये ये है ए, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको ठीक है इतने ईजी तो नहीं आते हैं मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ तो वो कह रहे हैं जो टू टू मार्क्स में है मान लो कि वट इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल तो यू नो दैट हाफ बेस फटाफट से वन बाई टू के इंटू फोर इंटू थ्री क्या आंसर दे दिया नहीं आप पहले लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी टू वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट देन वैल्यूज पुट करके आप आंसर दोगे मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं आपको बहुत अच्छे से पता है मैं आपको वीडियोस में भी बताती रहती हूँ कि हमेशा क्वेश्चंस के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो फॉर्मुला जरूर लिखो क्यों बाय चांस कहीं आपकी कोई भी मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो आपको उस क्वेश्चन के हाफ मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे जितने का क्वेश्चन है उतने के आधे दो का है तो कम से कम एक मिल जाएगा क्यों क्योंकि आपने प्रॉपर वैल्यूज पुट करी है प्रॉपर फॉर्मूला लगाया हुआ है प्रॉपर वैल्यूज पुट करी है कैलकुलेशन में एक आधे मिस्टेक होगी तो वहां पे मैम क्या कर सकते हैं वन मार्क्स काट लेंगे हाफ मार्क्स काट लेंगे कुछ इस तरीके से ठीक है तो अगर फॉर्मूला लगा रखा है तो आपके मार्क्स गेन करने के चांसेस और बढ़ जाते हैं जितने फॉर्मूला पता है सब लिखो क्यों लिखने में कंजूसी कर रहे हो क्योंकि पूरा साल हमने पढ़ा है फॉर्मूला याद है तो एग्जामिनर को बताओ ना कि मुझे आता है फॉर्मूला ये देखो मैंने फॉर्मूला पुट किया है वैल्यूज पुट करी है हाँ थोड़ी बहुत गलती हो सकती है कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो सकता है ठीक है तो कई बार क्या होता है फाइव फाइव मार्क्स में भी ना अगर आपने फॉर्मूला लगा रखा है वैल्यूज़ पुट कर रखी हैं सब कुछ है लास्ट में कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी ना तो टीचर्स क्या करते हैं सिर्फ हाफ मार्क्स कट कर लेते हैं समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला लगा के वैल्यूज़ पुट करना फिगर बनाओ कई बार मोस्टली बच्चे तो ना आधे से ज़्यादा टाइम यही पूछते हैं मैम इसकी फिगर बनानी है मैम इसकी फिगर बनानी बिना फिगर के मैथ्स का क्या मतलब राइट right? तो हर एक की फिगर बना के डाय प्रॉपर फिगर बनाएंगे उसके अंदर लेबल करते हैं प्रॉपर ठीक है अगर जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री भी है ट्रिग्नोमेट्री में भी मान लो जैसे इस तरीके से है ठीक है तो अगर ये आपका थीटा है तो ये मान लो ए है ये बी है ये सी है तो आप ऐसे मेंशन करेंगे कि भाई फोर थीटा परपेंडिकुलर बी है बेस ए बी है हाइपोटेनियस ए सी है तो इस तरीके से जितनी आपको चीज़ें पता है उसको सॉर्ट करने की कोशिश करो ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपके बेस बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हैं ताकि वो इतना ये ना लगे कि हाँ भाई यहाँ पे उसने गलती कर दी क्रॉस कर दो यहाँ गलती कर दी क्रॉस कर दो हर एक चीज़ ठीक है अगर मान लो गलती से भी कोई आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है तो वहाँ पे सिर्फ आधा नंबर जाएगा मैं इसीलिए आपको बार बार बोल रही हूँ जितना आपको पता है सब लिख के आओ और आपको पता ही है मैथ्स में क्वेश्चन के हर एक स्टेप के आपको मार्क्स मिलते हैं है ना ये भी पता है सो फिफ्थ वन इज आपने फिगर ड्रॉ करनी है फिगर्स विद प्रॉपर लेबल ठीक है विद प्रॉपर लेबलिंग प्रॉपर लेबलिंग करके आपने फिगर्स को ड्रॉ करना है एंड येस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक टेबल है जिसके अंदर आप वैल्यूज लर्न करते हो तो वो वैल्यूज़ कैसे लर्न करनी है उस टेबल की ट्रिक वाली वीडियो भी मैंने बनाई हुई है वो पर्टिकुलर ट्रिक वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो वहाँ पर आपको जाके वो ट्रिक लर्न करनी है और क्या करना है आपने जाते सबसे पहले रफ शीट पर वो टेबल बना लो ठीक है टेबल बना लेंगे तो उससे आपको बहुत इजीली जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप इजीली उसको कर पाओगे तो इसके लिए आपके पास दो चैप्टर्स हैं है ना एक तो 8.2 आपकी पूरी इसके ऊपर बेस्ड है और एक आपकी नाइन्थ चैप्टर है ना अप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो भी इन वैल्यूज़ के ऊपर ही बेस्ड है वैसे तो क्या है मेन अगर आप साइन कॉस्ट टेन की थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी वाली वैल्यू भी आप लर्न कर लेते हो तो बाकी सभी के सभी आप इजिली कर पाओगे ठीक है कैसे देखो तो सिर्फ और सिर्फ आप मान लो आपने साइन कॉस और टेन मान लो अगर ये तीन ही लर्न कर लेते हो मान लो थिटा यहाँ पे कितना है थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव एंड सिक्सटी अगर ये नो वैल्यूज अगर आप लर्न कर लेते हो तो भी आप हर एक चीज़ कर सकते हो कैसे ये देखो साइन थर्टी क्या होता है वन बाय टू ये होता है वन अपॉन में रूट टू ठीक है साइन सिक्सटी होता है रूट थ्री टू ओके okay. अब कॉस में क्या करना में आपने इसको उल्टा लिख दो रूट थ्री बाय टू वन बाय रूट टू और ये इधर आ जाएगा वन बाय टू टैन क्या होता है टैन होता है आपका साइन बाय कॉस ठीक है तो साइन बाय कॉस करेंगे तो ये टैन ये हो जाएगा आपके पास वन uh, बाय ये जाके हो जाएगा वन बाय रूट थ्री वन बाय टू कैंसिल टू बाय थ्री कैंसिल के वन बाय रूट थ्री ठीक है ये कैंसिल हो गया यह आ गया वन साइन बाय कॉस ये हो गया रूट थ्री हो गया ठीक है ये आपने देखो सिर्फ साइन की लर्न करी आपने तीन वैल्यूज उसी से कॉस की भी निकल उसके से टैन की निकल अब अगर आपसे पूछा जाता है कॉसिकंड की ठीक है कॉसिकंड की क्या करो कॉसिकेंड बिल्कुल इसका क्या है रेसिप्रोकल प्रोकल है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो कॉसकेंड क्या होता है वन बाय साइन तो हर एक की वैल्यू की रेसिप्रोकल कर दो ये हो जाएगा टू ये हो जाएगा रूट टू ये हो जाएगा टू बाय रूट थ्री ऐसे ही सिकेंड सिकेंड किसका रेसिप्रोकल है कॉस का इसका रेसिप्रोकल कर दो टेन के लिए कॉट कॉट का इसका रेसिप्रोकल कर दो बस हो गई सारी की सारी वैल्यूज ठीक है ऐसे ही इसकी तीन आइडेंटिटीज होती हैं जिसमें बच्चे 90% गलती करते हैं 90% गलती गलती नहीं करनी है क्या है सिर्फ पहली तो सबको लॉ नहीं है साइंस कर थी प्लस कॉस स्क्वायर वन। दूसरी में क्या करो पूरी को इस दोनों को आ, पूरे को आप साइन से डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर से जब आप साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो यहाँ क्या आ जाएगा वन कॉस बाय साइन क्या हो जाता है आपका कॉट वन बाय साइन क्या हो जाएगा कॉसिकंड स्क्वायर थेटा अब इस पूरे को किससे डिवाइड कर देंगे कॉस से डिवाइड कर देंगे तो साइन बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर बाय कॉस वन वन बाय कॉस स्क्वायर ठीक है तो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि भाई कहां पे प्लस था कहाँ माइनस था ये अगर आप तीनों लिख ले तो फिर आप इसको इधर उधर ले जाके प्लस माइनस अपने आप करते रहो जहां जैसी नीड है वैसे लगा दो ठीक है तो ये ट्रिक तो होगी आपके एट्थ चैप्टर के लिए ठीक है नाइन्थ चैप्टर के लिए आपके पास एक ट्रिक ये है आपको ये पता होना चाहिए कि फिगर कैसे ड्रॉ करनी है उसकी कोशिश करो एक बार अगर, अगर आपने उसकी फिगर पे कंसंट्रेशन कर ली कि एक बार फिगर आपकी ढंग की बनगी नाइन्थ स्टैंड नाइन्थ चैप्टर के लिए आपको फिगर प्रैक्टिस करनी है बार बार फिगर बनाने की कोशिश करनी है वो अगर आपने ढंग से बना ली तो आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हो ठीक है तो मोस्टली बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से डरते हैं तो मैंने आपको सॉर्ट कर दिया ट्रिग्नोमेट्री ओके सेवन्थ चैप्टर में आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस ही हैं फॉर्मूलाज हैं आपके सिक्स में भी आपके डायरेक्ट ही हैं आपके क्वेश्चंस और यस ए पी में आपको थोड़ा सा क्या करना है एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए आपको सैम्पल पेपर्स में जाना है उसके लिए दो चार क्वेश्चन हैं जो एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो वो सैम्पल पेपर्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं जैसे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका सारा बेसिक है है ना तो इस पूरे बेसिक के लिए आपने सैम्पल पेपर्स के ऊपर कंसंट्रेशन देनी है ज़्यादा जिस जितनी आप प्रैक्टिस कर पाओगे उतनी ज़्यादा आप इक्वेशंस बना पाओगे उसको आप सॉल्व कर पाओगे ओके एंड यस अगर क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है और कहते हैं यूजिंग सब्सिट्यूशन मैथड तो आपने सब्सिट्यूशन ही यूज़ करना है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लेशन तो क्रॉस मल्टीप्लीशन ही यूज़ कर सॉरी क्रॉस मल्टीपेशन तो कैंसिल हो गया एलिमिनेशन uh, तो अगर एलिमिनेशन बोला गया तो तभी एलिमिनेशन यूज़ करेंगे सब्सटीट्यूशन बोला गया तभी सब्सिटीट्यूशन यूज़ करेंगे अगर कुछ नहीं बोला गया देन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो ठीक है ऐसे ही फोर्थ चैप्टर के लिए अगर बोला गया यूजिंग फैक्टराइजेशन तो आप फैक्टराइजेशन करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे ठीक है अगर कुछ नहीं बोला तो आप जो मर्जी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं क्लियर है ये बात ठीक है तो ये तो हो होगी स्टार्टिंग के चैप्टर्स के लिए उसके बाद आता है आपके पास टेंथ टेंथ तो आपको पता ही है कितना डायरेक्ट है वो कितना डायरेक्ट है उसके लिए तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ ठीक है ये जब मैंने क्वेश्चन नंबर नाइन्थ आपको करवाया था एक्सरसाइज टेन पॉइंट टू का है है ना टेन पॉइंट टू है ना टेन पॉइंट वन में तो सिर्फ फिलिंग्स हैं द ब्लैंक है तो टेन पॉइंट टू का जो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है उसको जब मैंने कराया था उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा स्टेटमेंट भी लिखवाई थी तो एक बार वो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट जरूर देख लेना ठीक है तो एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट और क्वेश्चन नंबर जो भी था वो दोनों आप एक साथ रिवाइज़ कर सकते हैं आपको पता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बैक नीचे से जो है थर्टीनथ ट्वेल्थ ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये से एक चीज़ और यहाँ से मुझे याद आया जब कभी भी आप कोई भी यहाँ पर जैसे यूज़ कर रहे हो जैसे कि मान लो ये आपने यूज़ करा है जैसे कि ये ए है ये बी है ये सी है तो आपने यूज़ करा ए बी इक्वल्स टू ए सी है ना क्यों यूज किया है आपने ये क्या है लेंथ ऑफ टेंजेंट स्ट्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ ये बोलते हैं हम इसको तो आप यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे ठीक है तो यहाँ पे आपने प्रॉपर लिखना है लेंथ ऑफ टेंशन स्ट्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल वो प्रॉपर लाइन लिखनी है तो जहां जहां आप ट्रीज लगाएंगे जहां जहां पे थ्योरम लगाएंगे कि ये रेडियस इसके प्रपेंडिकुलर है ओ पी इज प्रपेंडिकुलर टू ए बी वाई रेडियस रेडियस जो होता है वो टेंशन के प्रपेंडिकुलर होता है वो आपने प्रॉपर लाइन लिखनी है ये मत लिख देना थ्योरम टेन पॉइंट वन क्रॉस क्या होते थ्योरम टेन पॉइंट वन कौन सा टेंथ चैप्टर कौन से, से थ्योरम 10.1 वो आपने प्रॉपर स्टेटमेंट लिखनी है ठीक है तो नेक्स्ट आपके पास ये बन गया जैसे टिप था फिफ्थ था तो टिप सिक्स्थ हो गया स्टेटमेंट यूज स्टेटमेंट्स ऑफ थ्योरम्स थ्योरम्स की आपने स्टेटमेंट्स को यूज करना है ऐसे ही नहीं लिख देना थ्योरम ये थ्योरम ठीक है उसके बाद यस जो आपके आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल उसके अंदर आपने क्या करना है प्रॉपर एरिया को शेड करना है ठीक है जैसे कि ये है मान लो तो आप शेड करके बता रहे हो कि ये वाला आपने निकाला है तो आप ए ओ बी और इसको ले लो सी तो ए ओ बी सी आ जाएगा ठीक तो है तो सी लेना जरूरी है क्यों क्योंकि ऐसे तो अगर मैं ये लाइन डाल देती हूँ कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं तो ए ओ बी ये तो फिर ये ट्राइंगल भी तो हो गया ना तो ये प्रॉपर ये चीज आती है तो इसके लिए आप ए ओ बी का मतलब हो जाएगा ये ट्राइंगल ए ओ बी सी का मतलब हो जाएगा पूरा का पूरा सेक्टर तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए और फिर नेक्स्ट चैप्टर आपके पास आ जाता है यस फॉर्मूलाज का है ना वॉल्यूम ऑफ कॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सरफेस एरिया ये वो सब चीजें तो इनको आपने फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से लर्न करना है एंड हमेशा फॉर्मूलाज अप्लाई करनी है वो तो मैं शुरू से बता दिया आपको ठीक है तो लर्न फॉर्मूलाज लर्न फार्मूलाज और आपने उसकी फिगर्स भी ड्रॉ करनी है जैसे कि प्रॉपर जो बना रहे हो कि हाँ जी एक ये है सिलेंडर है इसके ऊपर एक और सिलेंडर है ठीक है अगर आप प्रॉपर फिगर बनाओगे उस पर लेबल करोगे इसका कितना रेडियस था इसकी पूरी कितनी हाइट थी एक प्रॉपर अच्छे से फिगर बना के फिर करो शुरू ताकि आपको भी क्लैरिटी लगे और टीचर को भी क्लैरिटी लगे ठीक है एंड लास्ट में पता ही है आपको प्रोबेबिलिटी के भी इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे हैं एंड स्टैटिस्टिक्स की आपको भी बता रखे हैं स्टैटिस्टिक्स का एक फार्मूला था है ना कौन सा फॉर्मूला था सेंट्रल सेंट्रल uh, uh, वो बोलते हैं उसको हम uh, क्या बोलते हैं उसको सेंट्रल डिंसी वाला फॉर्मूला क्या होती है उसको क्या होता है हम ऐसे लिखते हैं ना थ्री इक्वल्स टू टू प्लस वन है ना तो टू के साथ क्या आता है टू मीन बहुत मीन है है ना थ्री और यहाँ क्या हम निकाल रहे हैं मीडियन और ये लास्ट में आ जाता है मोड है ना तो ये मैंने आपको फॉर्मूला लाने कर थ्री मीडियम इसको टू मॉड प्लस वन प्लस टू मीन प्लस मॉड तो ये फॉर्मूला है आपका ये वन मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ये आता है ठीक है तो ये चीज़ हो गई यस ये सब आपने अपने रिवाइज कर लिया होगा देख लिया होगा अब एक जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको एक टिप देना वाली हूं तो वो पर्सनल एक्सपीरियंस टिप क्या है डू इट अगेन डू इट अगेन कईयों को ये चीज गलत लगती है बट पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मेरे को ये चीज बहुत सही लगती है क्या देखो मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन आया है ठीक है आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो सॉल्व कर रहे हो लेकिन आंसर आपका नहीं आ पा रहा और आपको ना एक पता ही होता है इंट्यूशन से होती है कि यार ये ना गलत है जो मैं निकाल रही हूं ना ये गलत है कि हम कहीं ना कहीं ना कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं होता है ऐसा है ना कई बार हम टेस्ट में भी कर रहे होते हैं एग्जाम में भी दे रहे होते हैं तो हम सॉल्व करते करते यार ये तो गलत आ रहा है खुद पता चल जाता है कि गलत आ रहा है आपने क्या करना है आपने गलती ढूंढनी नहीं है अब काफी बच्चे ऑफेंडेड फील करेंगे ये तो गलत है नहीं नहीं ढूंढेंगे आप क्यों क्योंकि आपको मिलेगी नहीं क्योंकि आप कर रहे हो खुद काम कर रहे हो ठीक है तो आपको वो गलती नहीं मिलेगी आपने क्या करना है उसको क्रॉस कर दो और क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो बाद में उस क्वेश्चन को फिर से करेंगे बिना देखे पहले वाले को आपने देखना नहीं कि मैंने क्या किया था गलती कहाँ हुई थी नहीं ढूंढो क्योंकि वो टाइम वेस्ट है नहीं मिलेगी आपको वो गलती ओके तो क्या करना है आगे और क्वेश्चंस कर लो जब दो तीन क्वेश्चंस और हो जाएं दोबारा उस क्वेश्चन को करो ठीक है जब आप दोबारा करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा ये मेरा पर्सनल आपको एक सजेशन है क्योंकि जब मैं टेंथ में थी मुझे ऐसे क्वेश्चंस करने होते थे तो मैं अपनी दोबारा गलती ढूंढने बैठती थी ना तो मुझे नहीं मिलती थी इसलिए फिर मैंने खुद से रेडिकेट की इस बात को कि ये तो मेरा टाइम वेस्ट होता है एग्ज़ाम में तो मैं क्या करूँगी मैं गलती देखूँगी ही नहीं बंद कर दूँगी उसको साइड पर रख दूँगी बाकी क्वेश्चन करो माइंड थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब दोबारा उस क्वेश्चन को करते हैं तो वो निकल आता है तो ये मेरा पर्सनल टिप था फॉर मैथ्स एग्जामिनेशन ऑल द वेरी बेस्ट डू योर बेस्ट एंड फॉर गेट द रेस्ट थैंक यू